17 दिसंबर की रात को गिजोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जरगांव में खेत पर बनी झोपड़ी में सो रहे जितेंद्र बघेल नाम के एक व्यक्ति के अज्ञात कारणों के चलते झोपड़ी में अचानक आग लग गई थी, जिसके कारण जितेंद्र बघेल की मौत हो गई थी, जिसे लेकर प्रशासन ने ग्वालियर में शव का पीएम कराया और आज सुबह परिजनों को सौंप दिया गया। कसाई परिजनों ने डबरा के पिछोड़ तिराहे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि झोपड़ी में रंजिश के चलते आग लगाई गई है और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह एक मर्डर केस में गवाह था, इस कारण उसे जलाकर मारा गया है। परिजनों की मांग थी कि आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी जयराज कुबेर और डबरा एसडीएम प्रदीप शर्मा सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। लगभग 2 घंटे तक जाम लगा रहा। एडिशनल एसपी और एसडीएम की काफी समझाने के बाद परिजन सड़क से हटे, तब जाकर जाम खुलवाया गया। एडिशनल एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी आरोपी होंगे उन पर कार्यवाही भी की जाएगी और परिजनों को जो भी प्रशासन द्वारा सहायता दी जाती है वह भी दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन क्या कुछ कार्यवाही करता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कौन लगते थे जो मृतक हुए आपके? क्या मामला हुआ था? क्या मामला हुआ था? मामला क्या हुआ? भैया मार दिया मेरा। कैसे क्या हुआ था मामला? भाई मार दिया मेरा। मैं जो लगातार दूर सचिन दूर हमें तो ये केदार केदार भागा। जबकि सामने ये है कि आग में जलकर इनकी मौत हो गई। आग में जलाया गया। किसके द्वारा जला गया? क्या क्या आग में जलाकर मार दिया भाई? आग में जलाया 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 देखा आपने? देखा ही होगा जो भी कल मीडिया में देखा है। क्या कारण रहा है? ऐसा क्या विवाद रहा है? किसका कारण ये था? पहले किसमें आग लगाई है ना? 6 महीने पहले नंदराज भाई को पता चला था ज्यादा लड़का बड़ा हो गया उसके लिए मैं मान रहा हूं। आरोपी बाजार में बयान दे रहा हूं। आप क्या चाहते हो? अब क्या जबकि स्थानीय प्रशासन ने शासन का समय रखा है कि आपको सहायता राशि दी जाएगी। शासन क्या देखता है? पहले भी कहा था 7 दिन पहले भी 7 दिन पोस्टमार्टम कराने को पहले प्रशासन आपको सहमति दर्ज करा रहा है, 7 दिन का समय दे रहा है, क्या आप उसमें राजी नहीं है? पुलिस प्रशासन में विश्वास नहीं है, बिल्कुल मिल चुका है। जितेंद्र बघेल की झोपड़ी में आग लगकर मृत्यु हुई, जिसमें कल पर कायम कर लिया गया था। परिजनों द्वारा 4 लोगों पर शक जाहिर किया गया है, कथन लिए जा रहे हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भी घटनास्थल का दौरा किया था। आज मेरे द्वारा भी घटनास्थल का दौरा किया गया। मामले की निष्पक्ष जांच कराकर 7 दिन में निराकरण करने के लिए आश्वासन दिया गया है। अगर इससे पहले भी अगर इसका निराकरण हो जाएगा तो उससे पहले भी निराकरण कर दिया जाएगा। सर क्या लग रहा है प्रथम दृष्टा? नहीं, अभी प्रथम दृष्टा कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक जैसे वैज्ञानिक साथ चाहेंगे उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने जो जाम लगा कर क्या मांग है? परिजनों ने मैंने बताया 4 लोगों के खिलाफ उन्होंने कहा है कि हत्या का शक जाहिर किया है, उनके कथन लिखकर उस दिशा में भी जांच की जाए। ठीक, अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए समर्थ सहारा न्यूज। नमस्कार।